Blessed are those who can replace the fear of illness with the trust in the recovery and can bring smiles in someone's life. From the bottom of my you can see and some of our बॉडी में ब्लड स्टेम सेल का काउंट थोड़ा बढ़ जाए। कॉलेज का नाम लिखना है, आज की डेट लिखनी है। फ्रंट लाइन में पुलिस, डॉक्टर्स और प्रेस वाले थे। आज सर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है कॉलेज में, क्या कहना है सर? देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में आमतौर के ऊपर हो के तो उनका जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त सा कर देती है, जिसमें बार बार उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हमने 26 जनवरी से ये इसका इलाज शुरू कर दिया और अब तक हमारे पास 58 बच्चे जो हैं सोनीपत के वो रजिस्टर हुए हैं, जो पहले रोहतक, दिल्ली और पानीपत में रजिस्टर्ड थे। तो अब हमारे पास 58 बच्चे हैं और आज से हमने प्रक्रिया शुरू करी है कि हम एक कदम और आगे बढ़े वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को देखते हुए। हमने अब स्टेम सेल और बोन मैरो डोनेशन का एक शुरू किया है प्रक्रिया जो है, उसमें टेस्टिंग हम HLA की टेस्टिंग करवा रहे हैं और इसमें हमने NGO के साथ एक MOU किया है जो हमारा यहाँ से डेटाबेस तैयार करेंगे और कभी HLA मैचिंग के साथ किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी तो उनको कंटैक्ट किया जाएगा। और दूसरा हम ये करने जा रहे हैं कि थैलेसीमिया के स्क्रीनिंग के लिए हम जो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, जो पेशेंट तो नहीं कहूँगा मैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हम उनका भी टेस्ट करना स्क्रीनिंग शुरू कर रहे हैं। HPLC टेस्ट और HPV2 ये हम प्रक्रिया शुरू करवा रहे हैं। सर, जो MOU किया है उसमें नजर जो टेस्ट कर रहे हैं उसका बाहर अगर कितना रुपये कॉस्ट आता है सर? उसका देखिए, इन्होंने तो पहले कहा था कि हम 1800 ऑप्शनल हैं, हमने कहा जी ऑप्शनल भी नहीं रखेंगे, आप कोई पैसा नहीं लेंगे। बाहर तो काफ़ी महंगा टेस्ट पड़ता है और काफ़ी देर के बाद रिपोर्ट भी आती है, अब ये हमने इसको फ्री में टेस्ट करवाया। ये कहाँ की कंपनी है सर? ये करनाल बेस्ड है और वैसे चेन्नई में इनका वो है, जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है। तो इसका फ़ायदा होगा सर लोगों को? लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इसके साथ कि जिसका भी मैचिंग उसके साथ हो जाती है तो उनको डोनर को इधर उधर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैचिंग हो जाती है तो उनसे कंटैक्ट करके तो सीधा ही बिना देरी किए हुए। BPS मेडिकल ऐसा पहला मेडिकल कॉलेज है हरियाणा? हरियाणा का ऐसा पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें ये प्रक्रिया शुरू हुई है। सर, कितने रजिस्ट्रेशन करीब हो गए होंगे आज? अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ये हम कुछ देर के बाद ही आपको टोटल बता पाएंगे कितने टोटल रजिस्ट्रेशन हुए। कितना टारगेट पे रखा है कोई? नहीं, टारगेट नहीं ऐसे रखा, वॉलंटरी है ये, जो करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।